देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। बीनागंज मंडी में गोदाम में लगी आग। बीनागंज कृषि उपज मंडी में अशोक पालीवाल, चांचौड़ा वाले और सुगन कुमार जैन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय प्रशासन पहुंचा मौके पर। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारियों को हर संभव मदद देने की घोषणा की। धनो सकते चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। राहुल गांधी का बयान कांग्रेसियों के लिए शर्मनाक। मंदसौर प्रदर्शन पर मंत्री जयवान सिंह पवैया का कांग्रेस पर पलटवार। सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया ने कांग्रेस द्वारा मंदसौर में किए गए प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा है इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान कांग्रेसियों के लिए शर्मनाक है। पवैया ने कहा कि राहुल गांधी को रवि एवं खरीफ की फसलों में अंतर ही नहीं पता, ऐसे में वह कैसे किसानों का भला कर पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की एकता पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता दिखावे के लिए एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये चुनावी तैयारियों का दौर है। की बात कर रहे हो क्या? ये जो सर पे मुड़ाछा बांधकर ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलते हैं उस किसान की बात कर रहे हो क्या? जिनके पुरखों ने भी कभी रवि और खरीफ का अंतर नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूं, आप राहुल गांधी जी से सवाल कर लेना, अगर वो रबी की फसल कौन सी होती और खरीफ की कौन सी होती है ये बता दें तो मैं 10 रुपया नगद इनाम दे दूं। गरीब आदमी उससे ज्यादा मेरे पास नहीं, मैं कोई महलों वाला नहीं हूं, मैं तो आप जैसे खलियानों से निकला हूं। केवल इतना पूछ लीजिए कि 2003 तक जब तुम्हारी सरकार थी 10 साल, हमारी सरकार ने तो करोड़ों दिया है, पर कांग्रेस तो ये बता दे कि किसानों के नाम पर 1 लाख रुपया भी कभी उसने खर्च किया हो, और वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जहां इनकी सरकारें हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे कि पंजाब में कर्जा माफ कर दिया। पंजाब में 5,900 करोड़ रुपए का कॉपरेटिव का कर्जा था, 2,500 करोड़ रुपया केवल माफ किया और झूठ बोलकर किसानों को धोखा दे दिया। मंदसौर के भाषण में राहुल गांधी बोले हैं कि हमने माफ कर दिया, गलत बोल रहे हैं। कर्नाटक में घोषणा की थी, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। और वैसे भी भैया पूरे भारत के, एक तो पंजाब में इनकी सरकार बची है और एक चवन्नी भर की स्टेट है गुना और शिवपुरी के बराबर पुडुचेरी, वहां एक सरकार बची है। कर्नाटक में इनकी नहीं बनी है, ये तो कंधे की मालिश करके दूसरे की पालकी उठा के लड्डू मांगे। गैरों की शादी में अब्दुल्ला देगा, ये तो साफ हो गए। और इसलिए आप सबको बधाई देता हूं इस मौके पर। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में सामने आएंगे और जो बीच का समय है, अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी किसानों के मुद्दे पर पवैया का कहना था कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को माला माल बना दिया है। पवैया के साथ ही आज गुना दौरे पर रहे क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महा आर्यमन सिंधिया के संबंध में जब उनसे प्रश्न किया गया तो पवैया का कहना था कि वह 2 पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं, अब तीसरी पीढ़ी से आप क्यों लड़ा रहे हैं। पवैया का कहना था कि सिंधिया के पुत्र अभी नाबालिग हैं, ऐसे में उन पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। अब भैया मेरा कहना तो ये है कि मुझे तीनों पीढ़ियों से क्यों लड़वा रहे हैं। मैं ज्योतिरादित्य जी के पिताजी से लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लड़ा। अब
बेटा और पोता पोतियों से लड़ने का मेरा काम नहीं है। इसके लिए मेरा युवा मोर्चा बहुत दादा शिवपुरी में महाराजगढ़ ने बोला है कि मैं सिंधिया अपने पिता के लिए आया हूँ, किसानों को लड़ने के लिए, जो भाजपा से न्याय नहीं मिल रहा है, शिवपुरी में बोला। मैंने किसी नाबालिग बच्चे के बयान पर टिप्पणी कर दिया, ये राहुल गांधी ने क्या होमवर्क कर लिया बीजेपी या बैठक। उच्च शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा 5 साल में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, जबकि कांग्रेस चुनाव आने के कुछ समय पहले ही सक्रियता का प्रदर्शन करती है। वहीं इस किसानों के कार्यक्रम को पूरी तरह से भाजपा ही रंग देने की कोशिश भी की गई। साथ ही कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा किसान मौजूद रहे, इसके लिए भी सरकारी मशीनरी का भरपूर लाभ लिया गया। कई गाड़ियों और बसों में भर भर कर किसानों को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, क्योंकि कई बार गांव में योजनाओं की खबर नहीं पहुंच पाती है। और कई बार जब अधिकारी कोई कार्ड हाथ में दे देता है और गांव वाले से पूछे कि ये किसने किया है, तो जो हमारी माताएं होती हैं गांव की, वो कहती है सरकार कर रही है। अरे सरकार तो कांग्रेस की भी होती है। और इसलिए दो योजनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आजकल गांव गांव में और शहर के वार्डों में एक रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन है मुख्यमंत्री कल्याण योजना का। देखिए अभी तक जो लाभ मिलते थे लोगों को, वो चाहे उज्ज्वला गैस का लाभ मिला हो, प्रधानमंत्री आवास का मिला हो, हर जगह बीपीएल का कार्ड मांगा जाता है। और बीपीएल का कार्ड बनवाना ये बड़ा कठिन काम होता है। अगर कोई मुझे कहे तो मैं भी बनवा दूं किसी का, तो मेरे बस की बात नहीं। कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत राशि की जा रही है। अवैध जयपाल सिंह जी ग्राम नसीरा 38,425 रुपए। मोबाइल भी नहीं हो रहा है इनका। जयपाल सिंह ग्राम नसीरा 38,425 रुपए। मिट्टलाल करार ग्राम झागर 38,000। भैया भैया इन्हें कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। यार इधर ही कर लिया कर। चलो ठीक है। अगले हैं किसान भाई बाबू सिंह जी ग्राम धमनार राशि 34,296 रुपए। अब अगले किसान भाई है आजा सिंह जी ग्राम खड़गपुर 29,150 रुपए। हुआ इसके साथ ही साथ सभी गणमान्य नागरिक, सभी माननीय अतिथिगण, पत्रकारगण, दूर दराज से आए हुए सभी किसान भाइयों का हम हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम गोला खेड़ी में चल रहे अखंड 108 रामचरितमानस का हुआ समापन। गांव क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी बंधु अथक प्रयास व ब्रह्मलीन महाराज श्री 108 राकेशानंद जी महाराज, मंडल महंत श्री 108 बौद्धगिरी जी महाराज के मार्गदर्शन से दूसरी बार 108 रामायण पाठ का 14 फरवरी से आरंभ किया गया था। इसके बाद गणेश पूजन एवं कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ। 4 जून से नवदा पाठ एवं हवन यज्ञ आरम्भ हुआ। 13 जून को राम रक्षा स्त्रोत यज्ञ पूर्ण आहुति एवं प्रसादी वितरण व राम महाआरती का आयोजन किया जाएगा। हाँ दो बिल्कुल आ रहे हैं।
धरनाल दास हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री जवान सिंह पवैया ने पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है, वहीं कांग्रेस केवल किसानों को धोखा देती है, काम कुछ करती नहीं। वहीं कांग्रेस के फर्जी मतदाता वाले आरोप पर बोले कि कांग्रेस जब चुनाव हारने लगती है तो उसे चुनाव आयोग में ही गलतियां नजर आने लगती हैं और भरोसा नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए कि वो बचकानी बातें करते हैं। चुनाव आयोग पर भी उनको भरोसा नहीं है, वो अदालत जाने की बात कर रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, अदालत जाइए। मंदसौर की घटना को एक अखाड़ा राजनीति बना दिया कांग्रेस ने, उनका कहना नहीं, ये तो लाशों पर रोटी सेकने वाली बात है। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का जो भाषण है, अगर किसी ने सुना हो तो ये कांग्रेसियों के लिए शर्मिंदा होने की बात है। तो उनका इस देश का मुखिया किस भाषा का इस्तेमाल करता है, किस तरह के बचकाने आरोप लगाए जाते हैं, जिनको रबी और खरीफ की फसल का अंतर पता नहीं, वो राहुल गांधी किसान की बात कर रहे हैं। कहना है कि नाराज भाजपा में गुट है, जो नाराज करते हैं भाजपा में गुट तो होते ही, भाजपा में कोई गुट नहीं होते, भाजपा संगठन है, कोई हजूम थोड़ी, कांग्रेस हजूम सत्ता के लिए छटपटाता हुआ एक हुजूम, एक भीड़ अपने अपने छत्रम और छत्रमों के पट्टे, ये राजनीति कांग्रेस करती है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता लोकसभा डरता है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक शिवराज सिंह से नाराज हैं, बीजेपी से पार्टी के लीडरों से नाराज हैं, इसलिए वो जाते हैं आचार्य विरोध करते हैं इस तरीके से। क्या लोकसभा विधानसभा किस तरीके से शिवराज सिंह तैयारी कर रहे हैं अपनी, वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, शिवराज सिंह के गृह जिले से इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह की बातों को प्रजातंत्र से ज्यादा की राशि बांटी थी कांग्रेस के जमाने में। 8 करोड़ रुपया पूरी स्टेट के अंदर बीमा के नाम पर बांटा गया, टोटल स्टेट। और हमारी सरकार ने इस योजना के लागू होते ही 18,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में डाला है। ये कौन कहता है कि किसान नाराज है, कोशिश की जा रही है और किसानों ने नाकाम कर दिया उस पूरे षड्यंत्र को, और इसलिए हम लोग हर जिले में आज जा रहे हैं कि कहीं कोई भ्रांति हो। अब तौलने के नाम पर बात होती है, कांग्रेस ने कब कब तौल कांटे लगाए, कांग्रेस ने कब चिंता की किसान की, इतनी ट्रांसपोर्टेशन में कहीं देरी हुई तो उसका मॉनिटरिंग हुआ, कोशिश की गई कि परिवहन जल्दी कर लिया जाए, विलम्ब 1-2 दिन होता है उसको कमी बताकर, और सारी योजना पर पानी फेर देने की जो कोशिश होती है ये निंदनीय है। कांग्रेस बात कर रही थी फर्जी मतदाताओं की, अभी तक नहीं खोल पाई थी फर्जी वोटरों की। देखिए कांग्रेस जब जब हार के बहाने पर, क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र आर्यमन आज पहुंचे गुना। सबसे पहले वो वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सभी से उनके बारे में जानकारी ली, साथ ही किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यह भी जाना। आर्यमन की सादगी इसी बात से झलक रही थी कि वो वृद्धजनों से बात करने के लिए जमीन पर ही बैठ गए। इसके बाद आर्यमन का जगह जगह स्वागत किया गया। यह भी देखा गया कि एक तरफ तो आर्यमन और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पवैया गुना में थे। दोनों की अगर तुलना की जाए तो लोगों का हुजूम आर्यमन के साथ ज्यादा देखने को मिला, जबकि पवैया के किसान सम्मेलन के लिए बसों में भरकर किसान बुलवाए गए थे। आप बोलो रोड का है टैक्सी ना? हाँ जी यहीं बोलो। अरे युवराज जी संत जी हैं, इन्होंने शुरू से बिल्कुल त्याग किया है, हमें करौंदी के आश्रम में रहने थे, अभी यहाँ आए हुए हैं। चलो ये बहुत
टैंकर आता है अल्टरनेट है। और रोड का भी प्रॉब्लम है, रोड का वहाँ बहुत निवाल तो इसका व्यवस्था सरकार करेगी, सरकार का कोई बोलने के नहीं पाया। अरे सर पास तो वही कलेक्टर साहब ने पास कर दी लेकिन डाल नहीं रहे, मैं भी तीन चार बार रोड खोले क्या बोल। अब आजकल करते हैं, छः महीने हो गए पूर्व कलेक्टर साहब ही पास कर गए तो उसको फंडिंग तो है। ये पार्षद नहीं, ये जिला रेडक्रॉस सोसाइटी में शहर के युवाओं ने किया रक्तदान। आर्यमन के गुना पहुंचने पर शहर के युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर ब्लड बैंक में जमा करवाया जिससे जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। इस मौके पर आर्यमन ने सबका हौसला भी बढ़ाया, साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। दलितों पर गोलियां चलाई गईं, इसके साथ ही कुछ लोग जेलों में बंद हैं। इसके विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। सरकारों ने ऐसा वातावरण बना रखा है और बजाय उनको गिरफ्तार करने की, बजाय उनके कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह ये चलता रहा तो पूरे मध्य प्रदेश में ये विरोध कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो ये 2 अप्रैल के दिन भारत बंद हुआ था, उस भारत बंद के दौरान जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई और साथ साथ दिखाई दे रहा है कि जो निशाना लगाकर दलितों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम नहीं किया गया है और आज भी ग्वालियर भिंड मुरैना में सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं, उन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं और दूसरा अज्ञात के नाम पर हजारों लोगों के अज्ञात के नाम पर नाम दर्ज हैं FIR में और पुलिस अपना धंधा कर रही है। रोज उनमें आतंक पैदा किया जा रहा है, उन्हें घरों से उठाकर बंद किया जा रहा है। इसीलिए ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दलितों के ऊपर हिंसा चल रही है, जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, इसको तुरंत रोक लगाई जाना चाहिए और जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, जिन लोगों ने दलितों की हत्या की है, उन पर फौरन मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, मरने वाले दलितों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये अभियान चला है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने रमजान के पावन महीने में गरीब महिलाओं को कपड़े वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस मंच के द्वारा ईद के मौके पर गरीब महिलाओं को कपड़े बांटे जाते हैं। आज इसी कड़ी में 280 महिलाओं को नए कपड़े बांटे गए, जिससे वो नए कपड़े पहनकर ईद मना सकें। वहीं आज इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाओं को भी कपड़े बांटे गए। साड़ी वाली कौन बोला लग रहा है पीछे चली चली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले 8 सालों से ईद के शुभ अवसर पर गरीब मजलूम बेसहारा विधवा बहनों को बुलाकर एक स्थान पर बुलाकर उनको नए वस्त्र भेंट करता है, और भेंट करने की वजह यह है कि हमारी गरीब माँ बहनें भी नए कपड़े पहनकर हर्षोल्लास के साथ ईद मना सकें। इसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में लगभग 280 महिलाओं को कपड़े बांटने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। पुस्तक कसौटी पर काल का विमोचन किया उच्च शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया ने। इस पुस्तक में निबंधों का संग्रह किया गया है। इसमें अलग अलग समुदाय में होने वाली समस्याओं का संकलन किया गया है। कौन क्या है किताब, कौन सी किताब है? ये मेरी 8वीं पुस्तक है। इसमें शोधलेख हैं और 31 निबंध हैं। इस पुस्तक का नाम मैंने कसौटी पर काल रखा है। मैं अतीत को सर्वथा त्याज्य नहीं मानता और नए को, नवीन को सर्वथा ग्राह्य नहीं मानता। दोनों के बीच में हमें संतुलन बनाना पड़ता है। बिना आधार के हम आगे नहीं बढ़ सकते, भविष्य के लिए मार्ग नहीं बना सकते। तो इसी तरह से मैंने राष्ट्रीयता को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, वैदिक परंपराओं को लेकर, नारी विमर्श को लेकर, लोक साहित्य को लेकर, आदिवासी समाज की पीड़ाओं और उनके साहित्य को लेकर, अध्ययन अध्यापन को लेकर, इन सब विषयों को लेकर 31 निबंध इसमें लिखे हैं, जिनका संकलन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा विमोचित हुआ है। कसौटी पर काल पठनीय पुस्तक है। विद्वत जगत में मेरी ऐसी आशा है, अपेक्षा भी है, शायद ये दोनों को पसंद आएगी और विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहेगी। डीजियाना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।